बेबी ने लगा लिया तो इनको जेलिसी हो गई। तो यहाँ तक अपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हम लोग अंजुना से वापस जा रहे थे बागा अपने होटल की तरफ। सिंस हम लोग सनसेट के बाद आ रहे थे तो लौटते लौटते रात ही हो गया था। तो देखिए रात को गोवा की सड़कें कैसी दिखती हैं, थोड़ा चहल पहल देखिए। इस ब्लॉग में हमने यहाँ से आगे की कहानी दिखाई है, तो देखिए ये छोटा सा ब्लॉग। तो ये है बागा बीच का स्ट्रीट, बागा बीच का पीछे वाला रास्ता, और भयंकर ट्रैफिक होता है। बट अभी तो हम लोग ऑफ सीजन में आए तो कोई ट्रैफिक नहीं, ये कुछ ट्रैफिक है ही नहीं। अभी हम लोग होटल जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोपहर को हम लोग आए थे, सुबह हम लोग आए थे, आपको इतना भीड़ तो नहीं दिखा होगा, लेकिन अभी सब निकल चुके हैं। गोवा का यही खासियत है, लोग सनसेट के टाइम से निकलना स्टार्ट करते हैं। वाह, उसके दुकान में नहीं पसंद आया। किसके दुकान में, मतलब मैं कुछ उठा लो, उसकी दुकान में कुछ भी नहीं था, वहाँ से मुझे बैग उठाने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला अगर अब मेरा हस्बैंड ऐसे ही उठा लिया तो थोड़ी थोड़ी की सामान भी ऐसे उठा लूंगी। अब शादी के बाद अब सारी सारी चीजें बहुत देख परख के करनी पड़ती है। सेम ही है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग जा रहे हैं बीच टीटोज लेन होते हुए। इधर देखिए लोग अभी तक पार्टी कर रहे हैं। पार्टी रूम अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं है, सुबह हो गया फिर भी। और मेरा क्या है कि हम कहीं भी निकलते हैं तो बिना सनग्लासेस के निकलते ही नहीं है, आदत ही ऐसा है। रोशनी मेरे आईज के लिए थोड़ा वो होता है। यू बोला क्या नाटक है पापा, आई डोंट लाइक दिस नाटक। ये देखिए तो भी है, उठ ही नहीं रही थी वो, तो मैंने उठाया, बहुत झकझोर के उठाया मैंने, उठ ही नहीं रही थी, एक घंटा लगा मुझे उठाने में। तो ये है बागा बीच का नज़ारा सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अभी सनराइज नहीं हुआ है, हम लोग सनराइज का वेट कर रहे हैं। सनराइज होगा इस तरफ से क्योंकि हम लोग हैं वेस्ट कोस्ट में। वो देखिए सनराइज की तैयारी हो रही है, प्रकृति सनराइज की तैयारी कर रहा है या कर रही है, तैयारी हिंदी में कर रहा है, नॉर्मल हिंदी में कर रही है। और पीयू सिंह और मम्मा सिंह पानी के मज़े लेते हुए, दोनों को पानी बहुत पसंद है, दोनों को सी बहुत पसंद है। ये देखिए बीच के मज़े, एक जगह खड़े रहने से पीयू सिंह के पैर के नीचे से बालू गायब हो रहा है। तो वही है, अभी हम लोग यहीं पे हैं, 15-20 मिनट रहेंगे अभी और एक घंटा रहेंगे ओवरऑल, फिर थोड़ा धूप कड़ा हो जाएगा तो निकलेंगे। अब सनराइज होने लगा, ये देखिए सनराइज। बहुत सुंदर लगता है बागा बीच, बट अभी ओवर क्राउडेड हो गया है इसलिए उतना ज़्यादा लोग थोड़ा प्रीफर नहीं करते क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर स्पोर्ट्स बहुत होता है, इसलिए लोग थोड़ा पीसफुल बीच जैसे कि मोरजिम हो गया, वैगेटोर हो गया, एश्वेम हो गया, आरंबोल हो गया, साउथ गोवा हो गया, उधर जाना पसंद करते हैं। बट पहले ये बहुत सुंदर और वन ऑफ द फेवरेट बीच हुआ करता था, अभी भी है पार्टी के लिए, एक्चुअली पार्टी डेस्टिनेशन तो यही है। आज हम लोग चेकआउट भी कर रहे हैं यहाँ से, हम लोग चेकआउट करके आज जाएंगे साउथ गोवा पालोलम, तो फिर आपको पालोलम दिखाएंगे। वन ऑफ द फेवरेट बीच है पालोलम मेरा, पूरे इंडिया का ऐसे इससे बहुत सुंदर सुंदर बीच है, पालोलम वन ऑफ द फेवरेट है मेरा। श्वेता को देखते हैं कैसा लगता है, आज पहली बार जाएगी। तो जैसा कि आप लोग मेरी वेशभूषा से समझ चुके होंगे कि आज हम लोग दूसरे मूड में हैं, और वो मूड है थोड़ा लेट बैक मूड। तो हम लोग जा रहे हैं पालोलम, पालोलम बीच जो कि यहाँ से बागा बीच से 80 किलोमीटर है,
तो 80 किलोमीटर जाने में हमें लगेंगे 2.5 घंटे। इनफैक्ट मुझे लगता है ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारा प्लान है थोड़ा पंजी में उतर के कुछ खाने पीने का और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करने का। और फिर हमें करना था कुछ शॉपिंग, तो हम लोग आ गए ये वाला मॉल और व्यू यहाँ पे फुल मस्ती के मूड में एकदम कंट्रोल से बाहर। और सोचा अपना कुछ कुछ ड्रेस देख रही है उधर, ये पंजिम में है। और शॉपिंग किया कंप्लीट और निकले पालोलम की तरफ। रास्ते में रुके ये रेस्टोरेंट मैक्सी में, जो कि कनकोलिम में है, एकदम लोकल रेस्टोरेंट और जबरदस्त टेस्ट और रीजनेबल प्राइस, अल्टीमेट रेस्टोरेंट। अगर पालोलम जा रहे हैं यहाँ जरूर खाएंगे। यहाँ किया लंच और उसके बाद गए पल सीधा। तो चेहरा देख के लग रहा होगा कि बहुत सो के उठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सो के ही उठे हैं। अभी हैं पालोलम में, ये देखिए कुछ सुनाई दे रहा है, पूरा पीसफुल एरिया। नॉर्थ गोवा के बाद लोग साउथ इसीलिए आते हैं। और गाड़ी कर दिया है पार्क इधर और हम लोग रुके हैं इसमें, रॉयल वुड्स बीच रिजॉर्ट। दिखाते हैं कैसा है। नॉर्मल सा है बट बीच फ्रंट है इसलिए थोड़ा महंगा है। ऐसे ये बीच से वॉकवे है, दोनों तरफ कॉटेजेस है और इसमें से एक कॉटेज लिया है हमने जो कि एकदम बीच पे ही है। ये देखिए कॉटेज भी दिखा देते हैं क्योंकि बागा वाला रूम दिखा नहीं पाए थे। ये है हमारा कॉटेज। ये कपड़ा वपड़ा जो हम लोग का थोड़ा बालू लग गया था उसको पानी में डाल के थोड़ा भिगोया है। ये बीयू का साइकिल है, यहाँ पर इधर बीच फ्रंट है। ये छोटा सा रूम पूरा वुडन और बीयू सिंह सो रहे हैं और वो रहा बाथरूम। आइए अब थोड़ा आगे दिखाते हैं, बीयू सिंह को सोने देते हैं। यहाँ पे इनका एक रेस्टोरेंट भी है छोटा सा, बीच फेसिंग रेस्टोरेंट। ये रहा बीच। वहाँ तक है पालोलम और हम लोग उसके एकदम एक्सट्रीम एंड में यहाँ पर हैं। इधर एक सनसेट पॉइंट भी है, अगर टाइम मिला तो जाएंगे। वो उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना होता है उस तरफ। और इस तरफ भी जो कॉटेजेस वगैरह है, 7-8 कॉटेजेस इस तरफ भी है।